हाँ जानो साहब का यह पैगाम है हमारे देखने वालों के लिए। Thank you.
जानो साहब सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी मस्जिद से वापस आए थे और स्कूल की तैयारी इन्होंने कर ली है, तो अभी स्कूल जाएंगे क्योंकि इनके साथी अभी आने वाले हैं। अब्दुल्ला खान कद्दू तो जोर दे दे भैया। हाँ अब्दुल्ला खान क्या करना पे हो? ये कि पैतृक थी भैया, क्या गेंदा हो दे, क्या गेंदा हो दे, पापा क्या कर रहे थे खंदे? अच्छा साबुन और घी ले लिया है, तो अभी घर की तरफ चलते हैं। जी तो हमने ये दो आइटम परचेज किए हैं, घी और कपड़े धोने वाला साबुन, तो ये मिले हैं 330 रुपये, 330 रुपीज़, लेकिन हमारे पास थे 320 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ हमने उधार करा लिए हैं, तो अभी घर चलते हैं। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों को तंदुरुस्त तवाना रखे, सेहतमंद रखे और नेक साल है औलाद से नवाजे। तो इसी के साथ आज के वीडियो का आगाज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स करें। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे पैरट्स की जो फीड है वो ख़त्म हुई पड़ी है, तो इनको मज़ीद जो है ना फीड देते हैं, क्योंकि हमारे ईस वाले पैरट ने ना बच्चा दिया हुआ है, तो ये पेट भर खाएंगे तो अपने बच्चे को भी सही से पालेंगे ना, और ख़ुद भी इनकी जो है ना क्या होती है कि ब्रीड अच्छी होगी, ये सेहतमंद होंगे तो ब्रीड अच्छी करेंगे ना। ये जी सनफ्लावर के बीज हैं, ये बड़े शौक से खाते हैं सनफ्लावर के बीज। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें हमने इनको फीड रखी है, तो इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है माशाल्लाह से, और ये देखें नीचे वाले भी ये भी खा रहे हैं अपनी, क्योंकि ये सनफ्लावर के बीज हों या फिर यानी जिनका छिलका उतारा जाने वाला हो उन बीज को जो है ना ये बड़े शौक से खाते हैं, और ये उनसे सेहतमंद भी होंगे अच्छे खाते। और ये देखें ये हमारे जो मुर्गियाँ वगैरह हैं इस पिंजरे के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, क्योंकि ये नीचे जो है ना ये देखें ये कुछ उठा उठा के बाहर फेंकते हैं,
तो ये बाहर जो आते हैं बीज, वो ये मुर्गियाँ और गिलहरियाँ वो आके खा जाती हैं, तो इनके साथ उनका भी रिस्क जुड़ा हुआ है। अभी गिलहरी नहीं आई हुई, लेकिन एक गिलहरी है वो खुद इस पिंजरे के अंदर घुस जाती है और इनके साथ बैठ के खाती है। और इनका पानी भी जो है ना चेंज कर दिया है, साफ़ कर दिया है, क्योंकि इसमें फिर वो पानी पीते हैं और इसमें घुसते हैं ना, तो ये मैला कर देते हैं। फिर ये पानी डेली बेस पर हम इसको चेंज कर देते हैं इनके बर्तनों को साफ़ करने के बाद। अभी पानी भी रख दिया है और फीड भी रख दी है, तो ये अब अपनी मर्ज़ी से अपनी फीड भी खाएंगे और पानी भी जब इनका मन करेगा पिएंगे अपने हिसाब से। और इनके अंदर हमने ये वाइट कलर का ये गोल गोल आपको फीड के टोकरी के साथ नज़र आ रहा होगा, ये कैल्शियम ब्लॉक है इनके लिए। इससे इनके जो कैल्शियम वगैरह की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, और दूसरा ये कि ये ब्रीड भी अच्छी करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, मुर्गियाँ भी बाहर से अपना दाना दुन का जो गिर रहा है वो चुग रही हैं, और हमारे पैरट्स भी अपना शौक से देखें खा रहे हैं और आपस में मस्तियाँ कर रहे हैं। और इनकी बोलियाँ सुने अब, अभी जानू साहब के स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है, तो चलते हैं जानू साहब को स्कूल से लेकर के आते हैं और उनको घर वापस छोड़ते हैं। ये है जानू साहब का स्कूल, हमारे यहाँ का बहुत चलो अच्छा और इंग्लिश। अल्हम्दुलिल्लाह जी आ चुके हैं जानू साहब, चलो जी लो बैठो, चलो भाई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से शाम हो गई है, जानू साहब ये देखें अभी नहा धो के फिर ऊपर से रज़ाई क्या कहते हैं ये ओढ़ी हुई है हरिल्ली। अच्छा आपको फिर सर्दी लग गई जानू साहब हैं? अच्छा फिर नहाना नहीं था आपको, सर्दी लग रही थी? तो यार गर्मी है, नहाया है तो फिर वो जिस्म को थोड़ी हवा लगने दो, फिर ऊपर से तुमने इतना मोटा कपड़ा ओढ़ लिया। अच्छा और जानवर वगैरह ये देखें माशाल्लाह से अपना चारा खा रहे हैं, और चलते हैं किचन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर जो है ना हमारा कुकिंग का प्रोसेस जो है ना हो रहा है। ये देखिए मसाले वगैरह फ्राई हो रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे खाने में बरकत दे। लेकिन आज क्या बनाया ये देखते हैं जी। तो मैं अभी घर वापस आया हूँ, तो बेगम साहिबा जो है ना ये बना रही हैं। अब ये क्या बना रही हैं मैं अभी पूछ रहा हूँ इनसे, कि ये देखें ये मसाले वगैरह तो फ्राई हो गए हैं, इसमें अभी पता नहीं क्या डालने वाली है। क्या पका रहे हो हैं, हमें कुछ बताओगे आप? बोलो, नहीं बोलोगे? उन्होंने नहीं बोलना जी, चलें हाथ से इशारा हो रहा है कि नहीं बोलना हमने। लेकिन मुझे इस मसाले के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं यही मसाला ही बन रहा है आज के। ये टमाटर मिर्च जो है ना घर पड़ी हुई थी, और प्याज ये फ्राई करके जो है ना अभी इनको शोरबा भी डाल दिया है, शायद कि यही खिलाएंगे आज खाने में। चलें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काफ़ी है, यही बन जाए तो भी अल्लाह ने अल्लाह की ख़ास रहमत, कोई वो भी तो है ना जिनको ये नसीब भी नहीं होता। पर दोस्तों अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो ये देखें आपको चाँद तो नज़र आ रहा है, लेकिन आसमान पूरा बादलों से ढका हुआ है और हवा भी बिल्कुल रुकी हुई है। अभी गर्मी और हबस की जो है ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बहुत शिद्दत से है, ये सुबह से जो है ना हबस हुई हुई है। खैर अल्लाह पाक कोई मौसम में भी नरमी लाए और हमारे लिए कोई बेहतरी लाए, बेहतरी के फैसले फरमाए अल्लाह पाक। ये तमाम अहबाब आप भी दुआ करें अल्लाह पाक से, हमारी भी दुआ है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि बेगम साहिबा को मैंने कहा कि यार पता है क्या, लोग डेली कंटेंट बनाते हैं अपनी बेगम के साथ, फैमिली के साथ वीडियोस बनाते हैं और अच्छी खासी यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। हम इस चीज़ पर भी कोशिश यूट्यूब पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फैमिली के साथ नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन ये है कि बेगम साहिबा फिर भी पता नहीं मानती हैं कि नहीं मानती, अभी तक तो खैर इन्होंने कभी हामी नहीं भरी, और कभी पता नहीं अब ये आइंदा के लिए क्या इनका जो क्या होती है प्लानिंग, हाँ प्लानिंग है। चलो मिन्त कर के देखते हैं कि शायद कहीं हमारे भी बच्चों के लिए कोई
चार पैसे हम यहाँ से अर्निंग करके कोई आसानियाँ पैदा कर सकें। जैसे कि ये मिस्टर जानू साहब हैं, ये सुबह सवेरे उठ बैठते हैं और सबसे पहले इनकी फरमाइश होती है कि हम आज 50 रुपये लेंगे, फिर स्कूल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बिरयानी 50 और 10 में मिलती है, यानी 50 प्लस 10। इनको 60 का फिगर तो याद नहीं, लेकिन 50 प्लस 10 बोलते हैं ये। अच्छा, और इनको बिरयानी भी लाजम खाना है। खैर जी, तो अगर इनके मुस्तकबिल बनाने के लिए हमें इतनी तगोदो करना पड़े तो क्या हर्ज है इसमें, हैं? क्या हर्ज है, हैं जानू? सुना, आज सबक सुनाई? आज क्या सबक पढ़ी? आज कौन सा सबक पढ़ा, हैं? किताब पे देख के याद आएगा, ऐसा याद नहीं है? अच्छा चलो सही है। ऐसे ये चूहे जैसा मुंह तुमने बनाया हुआ है अपना, और जितना तुम खाते हो वो तुम पे जो है ना असर नहीं कर रहा, ये क्या वजह है इसकी, हैं? प्यारे दोस्तों, खैर इसी के साथ हमारा ये छोटा सा वीडियो, हाँ है, खुबानी खुरमानी, ये बाहर बैठने वाला है जी, अभी फरमाइश देगा, अभी बात हो ही रही थी और इसने फरमाइश भी कर दी। हाँ जानू साहब, अपने हमारे देखने वालों से सलाम सलाम करो, हैं? बहन भाइयों को सलाम नहीं करोगे, हैं? एक दो तीन आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बाबा, ये ठीक रहा बार आज कल लोग करते स्टार, अरे लोग को लाइक करे, शेयर करे, फॉलो करे, जरूर कीजिए करे। हाँ, वीडियो को फॉलो देखा करें और हमें जरूर सपोर्ट करें, है ना? हाँ, जानू साहब का यह पैगाम है हमारे देखने वालों के लिए। चलें जी, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल और हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।